मांग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको बेघर कर दिया था। आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए झारखंड की बहनों को अपना लिया है और जो इनकी जो पुरानी मांग थी वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। आज मुझे खुशी हो रहा है, जामताड़ा जिला जो सबसे पिछड़ा जिला है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए महिला महाविद्यालय गर्माटार के बगरूड़ी में देने का काम किया। पुरानी मांग थी, लगे हुए थे हम बहुत दिनों से लगे हुए थे कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती है। आदिवासियों के लिए राज लिया गया, मूलवासियों के लिए राज लिया गया, लेकिन भाजपा ने राज को तहस और नहस कर दिया, कभी भी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। आज हमारी सरकार एजुकेशन में फोकस कर रही है, आज हमारी सरकार बहनों को आगे लाने के लिए उनको सम्मान देने की बात कर रही है, और ये भाजपा के लोग हमेशा बांग्लादेश घुसपैठ, अरे क्या है ये, अब पाकिस्तानी करेंगे, अब हमको लगता है कि और कहां घुस जाएंगे। हमारी सरकार गरीब के उत्थान की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है और झारखंड को अच्छा करने की बात कर रही है। धन्यवाद। चलिए देखिए, आदिवासियों का जो अधिकार है उसको छीनने का काम कर रहे हैं बांग्लादेश। देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जिला जामताड़ा जिला में महिलाओं, हमारी बच्चियों के लिए महिला डिग्री कॉलेज मिला। और चंपई दादा को मैं कहूंगा कि जब तक वो हमारे साथ थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, क्या नहीं मिला उनको, कौन सा सम्मान जो हम आई थिंक जो लोग हम लोग पाना चाहते हैं वो उनको मिल गया, कौन दिया उनको सम्मान? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया। और आज जब भाजपा में जाते ही आपका सुर बदल गया, आपको बांग्लादेशी नजर आने लगा, घुसपैठ नजर आने लगा, तो मैं कहूंगा कि चंपई दादा भाजपा का स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दीजिए। जो जो भाजपा में गया सभी पुरु लोग चला गया, एक पुरु नहीं है, बाबूलाल मरांडी, बोरो खिलाड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ गए? भाजपा में गए। अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, पूर्व बोलो खिलाड़ी, कहाँ गए? भाजपा में गए। मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, बोरो प्लेयर, कहाँ गए? भाजपा में गए। रघुवर दास को छोड़ देते हैं, रघुवर दास जी को छोड़ देते हैं, ये चलिए आपकी चंपई सोरेन जी। अरे भैया पूर्व को लेकर आप क्या चाहते हैं कि झारखंड में सरकार बना लीजिएगा क्या? यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, यहाँ जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है वही प्रेजेंट रहेगा। 24 में हम लोग देखिएगा बोरिया बिस्तर समेट कर हम लोग सबको पूर्व कर देंगे। यहाँ जो ये विधायक है, इनके मंत्री जो थे वो भी पूर्वे हैं, तो पूर्व का लगता है कि बिचौलिया लोग भाजपा को हाईजेक कर लिया है। मैं सीपी सिंह जी को कहूंगा कि घर से बाहर निकलिए, सीपी बाबू भाजपा में कोई स्थान नहीं है आपका, यहाँ जो बोरो है, जो बिचौलिया है, जो बाहरी लोग हैं, जो दूसरे पार्टी से आए हैं, उनको ये लोग अभी ठग कर चाहता कि हम सरकार बना लें। सीपी बाबू जैसा ईमानदार नेता को ये लोग घर में घुसा दिया, भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता को भाजपा में पूछ नहीं है, तो भाजपा की झारखंड के तमाम वैसे लोग जो भाजपा को वोट करते हैं उनसे मैं कहूंगा कि सोच समझ कर वोट कीजिए, भाजपा आपकी हितैषी नहीं है। अच्छा, निशिकार, मैंने ट्वीट किया।